दोस्तों आज मैं आपको दिखाने वाला हूं 111 का जो बना हुआ एक बहुत ही प्यारा मॉडर्न लग्जरियस हाउस, जिसमें आपको फील ऐसा आएगा कि आप रहेंगे 150-200 गज के घर में। आप किचन से अंदाजा लगा सकते हैं कितनी प्यारी इसकी किचन है दोस्तों। तो महिलाओं के लिए तो यहाँ पर विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है हर एक छोटे छोटे चीज का, बड़ों के लिए, बच्चों के लिए, उनके लिए भी बहुत ही खास ये वीडियो रहने वाली है। बहुत ही प्यारा हमारा घर रहने वाला है। अगर आप एक हाउस प्लानिंग देखना चाहते हैं 111 गज की, जिसका डायमेंशन है 20 का फ्रंट है, 50 की डेप्थ है, तब भी ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए रहने वाली है। अगर आप इंटीरियर का आइडिया लेना चाहते हैं, एक्सटीरियर डिजाइन का आइडिया लेना चाहते हैं, तब भी आप वीडियो में हमारे साथ में बने रहिए दोस्तों। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन द वीडियो। तो कुछ इस प्रकार से रहने वाला है हमारे विला का एलिवेशन। यदि इसके डायमेंशन की बात करते हैं तो 20 के इसका फ्रंट रहेगा, 50 की इसकी डेप्थ रहेगी। 111 गज में बना हुआ हमारा बहुत ही प्यारा 3BHK अल्ट्रा लग्जरियस डुप्लेक्स हाउस रहने वाला है। आप बिलीव नहीं करेंगे दोस्तों कि 111 गज के अंदर कितना स्पेशियस घर बनकर निखर सकता है। दोस्तों आप एलिवेशन से ये आइडिया लगा सकते हैं कि कितना प्यारा आपको यहाँ पर एक्सटीरियर डिज़ाइन में आपने यहाँ पर काम किया है। हर एक छोटी छोटी बारीक चीज़ का आप यहाँ पर बहुत ही विशेष तौर पर ध्यान रखा गया है यहाँ पर, कि आपको लॉन्ग लास्टिंग आपको यहाँ पर ट्रॉल टेक्सचर पेंट आपके यहाँ पर करके दिया जाता है, कि आपको आने वाले समय में हर साल दो साल के अंदर आपको यहाँ पर पेंट करवाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि आपका जो ट्रॉल टेक्सचर पेंट रहता है वो काफ़ी अच्छा रहता है और काफ़ी लॉन्ग लास्टिंग रहता है दोस्तों। दिखने में भी बहुत अच्छा आपका ये रहता है। यदि मैं बात करते हैं यहाँ पर एक्सटीरियर डिज़ाइन में, तो आप देख सकते हो ऊपर कुछ आपको यहाँ पर शिंडलेयर आपको लगा के दे रहे हैं, लाइटिंग का कुछ अच्छा वर्क आपके यहाँ पर मिल जाता है। बालकनी में आप देखते हैं तो कुछ ब्रास वर्क मिल जाता है। साथ में इस तरफ आप देख सकते हैं कुछ CNC कटिंग जाली में आपको यहाँ पर लगा के दी जा रही है। देन हम इस वाली वॉल की बात करते हैं तो यहाँ पर भी आप देखते हैं तो इस वाली वॉल पर आपको इस जगह पर एक स्टोन वर्क आपके यहाँ पर मिल जाता है, जहाँ पर आपको लाइटिंग लगा के दी जा रही है। तो इस स्पेस में आप अपनी जो नेम प्लेट है वो आप यहाँ पर इंस्टॉल करवा सकते हैं। यहाँ पर गोदरेज कंपनी का आपके यहाँ पर वीडियो डोर फोन लगा के दिया जा रहा है। मेन एंट्री गेट है, इसके दोनों तरफ ही आपको यहाँ पर एंट्रेंस लैंप आपके यहाँ पर लगा के दिए जा रहे हैं। यदि हम यहाँ पर बात करते हैं एंट्रेंस गेट पर, तो आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर ब्रास वर्क मिल जाता है, HPL मरीन शीट आपको यहाँ पर लगा के दी जा रही है, और आप जो ग्लास वर्क देख रहे हैं ये आपका टफ एंड ग्लास आपके यहाँ पर रहने वाला है। हम बात करते हैं ब्रम एरिया में, तो ब्रम एरिया में आपका एंटी स्कीड आपके यहाँ पर टाइल्स लगा के दी जा रही है। तो आप चाहे एक गाड़ी बाहर पार्क करना तो वो भी आप यहाँ पर पार्क कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से आपको नीचे से ऊपर तक का पूरा एलिवेशन फिर से एक बार दिखाना चाहूँगा कितना प्यारा हमारा इसका एलिवेशन रहने वाला है। ईस्ट फेसिंग में बना हुआ हमारा ये विला है, 30 फीट की इसकी वाइड रोड रहने वाली है हमारे विला के बाहर। सो विदाउट ए फर्दर डू हम चलते हैं विला के अंदर और इसको अंदर से चलकर इसको एक्सप्लोर करते हैं। यहाँ पर जो आपको गेट दिए जा रहे हैं, या आपकी जो गेट रहने वाली है, आपके अंदर भी ओपन होते हैं और बाहर की तरफ भी ओपन होते हैं। तो अभी इनको हम बाहर की तरफ ओपन कर देते हैं, तो ताकि आपको आपको आइडिया लग जाए कि आपके जो घर है, घर के अंदर अगर एक गाड़ी पार्क कर देते हैं तब भी आपके पास में काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर स्पेस मिल जाता है। यहाँ पर एक गाड़ी पार्क हो जाएगी, उसके बावजूद भी आपके पास में साइड में से अंदर जाने के लिए, घर के अंदर जाने के लिए आपके पास में स्पेस यहाँ पर रहने वाला है। वाटर टैंक फैसिलिटी की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर 7000 लीटर कैपेसिटी का आपको यहाँ पर अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपके यहाँ पर दिए जा रहा है। साथ में पानी की टंकी है, दो पानी की टंकी आपको यहाँ पर रूफ पर रख के दी जा रही है। यदि आपके घर में 2-व्हीलर गाड़ी भी है तो वो भी आप यहाँ पर स्पेस में पार्क कर सकते हैं। ये जो आप स्पेस देख पा रही है रहने वाला आपका गैस बैंक के लिए, तो आपका जो सिलेंडर रहेगा वो आप यहीं पे इंस्टॉल आप इजीली कर सकते हैं। इस तरफ रहेगी हमारी किचन, किचन के अंदर आपको प्रॉपर सनलाइट बनी रहे उसके लिए आपको यहाँ पर ग्लास वर्क करके दिया जा रहा है। साथ में आपका सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए आपको यहाँ पर अंदर की तरफ देखते हैं तो कुछ आयरन ग्रिल वर्क आपके यहाँ पर करके दिया है, ताकि आपके घर में जब आप घर से बाहर गए हुए हैं, घर लोग हैं, तो कोई थीफ वगैरह है वो आपके घर के अंदर एंटर नहीं करे। हम बात करते हैं यहाँ पर पोर्च में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी बहुत ही प्यारा आपके यहाँ पर शेंडलर आपके यहाँ पर लगा के दिए जा रहे हैं, हैंगिंग लैंप्स आपके यहाँ पर लगा के दिए जा रहे हैं। ऊपर आप देखते हैं सीलिंग में तो PVC पैनल सीट आपके यहाँ पर लगा के दी जा रही है विद हॉब लाइट्स। देन यदि हम यहाँ पर आगे की तरफ आते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी अच्छा आपके यहाँ पर वुडन में आपको यहाँ पर शू रेक आपके यहाँ पर प्लान किए हैं, और ये रहने वाला हमारा काफ़ी बढ़िया काफ़ी अच्छा मेन एंट्रेंस गेट, जो कि आपका यदि हम इसकी हाइट की बात करते हैं तो वो भी आपकी काफ़ी बड़ी इसकी हाइट रहने वाली है। अराउंड 9 फीट की इसकी हाइट रहने वाली है, 4 फीट की विड्थ रहने वाली है,
और जिसमें आप देख सकते हैं काफी बढ़िया आपके यहाँ पर डिजाइनर फ्लश डोर आपके यहाँ पर मिल जाता है, और काफी बढ़िया आपके यहाँ पर डिजाइनर आपको यहाँ पर हैंडल भी आपके यहाँ पर मिल जाता है। आइए अब हम चलते हैं हमारे विला के अंदर। जैसे ही हम हमारे विला के अंदर एंटर करते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है काफी बढ़िया हॉल, जहाँ पर आपका ड्राइंग एंड डाइनिंग एरिया पूरा आपका सेपरेट रखा गया है। यहाँ पर लेफ्ट में आपका रहने वाला 8 सीटर ड्राइंग एरिया, जहाँ पर आपको 8 सीटर सोफा सेट लगा के दिया जा रहा है विथ सेंटर टेबल विथ 2 काउच। आपके ड्राइंग एरिया में आपको प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन बना रहे, उसके लिए आपको यहाँ पर विंडो दी गई है जो कि हमने बाहर से देखी थी अभी। तो आपके विला के अंदर यहाँ से प्रॉपर आप जब इसको ओपन कर देंगे तो आपके विला के अंदर प्रॉपर सनलाइट वेंटिलेशन बनी रहेगी। इस वाले एरिया में हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्यारा सा आपको यहाँ पर वुडन में आपको यहाँ पर इंटीरियर वर्क आपको यहाँ पर करके दिया जा रहा है। काफ़ी अच्छा आपको यहाँ पर एसी भी लगा के दे रहे हैं। देन इस तरफ हम देखते हैं तो यहाँ पर भी कुछ वुडन का आपको यहाँ पर वर्क करके दिया जा रहा है। ये छोटा छोटा जो वर्क है आपके विला में काफ़ी खूबसूरत आपको यहाँ पर जान डालता है। हम बात करते हैं यहाँ पर सीलिंग वर्क की, तो आप देख सकते हैं कितना प्यारा आपको यहाँ पर सीलिंग वर्क आपको यहाँ पर मिल जाता है। साथ में डिज़ाइनर फैन भी आपके यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। देन यदि हम इस तरफ देखते हैं तो आपके यहाँ पर मिल जाता है 6 सीटर का डाइनिंग टेबल। टॉप की बात करते हैं तो आपका ये वाला रहने वाला मार्बल का वर्क रहने वाला है। जस्ट इसके ऊपर हम देखते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाता है डबल हाइट कटआउट आपके यहाँ पर मिल जाता है, जिसके ऊपर आप देखते हैं तो आपको बहुत ही प्यारा शैंडलियर भी आपको यहाँ पर लगा के दिए जा रहा है। यहाँ पर आपको LG कंपनी की बहुत ही बड़ी हाइट में आपको यहाँ पर LED भी लगा के दे रहे हैं। और LED पैनल की बात करते हैं तो वो भी आपका बहुत ही बड़ा आपका LED पैनल रहने वाला है। आप जब घर में खाना खाते हैं तो घर में खाना खाने के लिए आपको चाहिए होता है बेसिन एरिया, वॉश बेसिन, तो आपको वॉश बेसिन एरिया आपको यहाँ पर इस वाली जगह पर दिया गया है। तो आप देख सकते हैं कि स्टेज के नीचे जो एक स्पेस बच जाता है उसको कितने प्यारे अच्छे से आपका अच्छे ढंग से यहाँ पर यूज़ किया गया है। और इस जगह पर आप देख सकते हैं तो आपको यहाँ पर कुछ वुडन का वर्क करके दे रहे हैं, ताकि आप यहाँ पर कुछ स्टोर करना चाहते हैं, कुछ आइटम्स वगैरह वो करना चाहते हैं वो आप इजीली यहाँ पर कर सकते हैं। तो मैं आपको फर्स्ट बेडरूम का टूर करवाने से पहले मैं आपको पहले दिखा देता हूँ हमारी किचन, और किचन दिखाने से पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा आपके यहाँ पर गोदरेज की आपके यहाँ पर स्क्रीन लगा के दी जा रही है। तो आपके जब भी बाहर आपको जो वीडियो डोर फोन लगा के दिया जा रहा है तो आप यहीं से देख सकते हैं विजिटर्स जब भी आपके घर के अंदर आए कि कौन आपसे मिलने आए हैं। अब आप देखेंगे तो आपका जो हॉल है, हॉल के अंदर जो टाइल का जो टेस्ट है, टाइल कॉम्बिनेशन, वो बड़ा डिफरेंट रखा गया है। किचन में जो टाइल्स है वो आपकी बहुत ही डिफरेंट काइंड ऑफ यहाँ पर टाइल्स रखी है। कलर कॉम्बिनेशन की हम यहाँ पर बात करते हैं किचन में, तो बहुत ही प्यारा आपके यहाँ पर लाइट आपके यहाँ पर थीम रखी गई है किचन की, जो कि आपको बहुत ही सूटिंग आपके यहाँ पर लगता है। टॉप की हम बात करते हैं तो आपके यहाँ पर क्वार्ट्ज का आपके यहाँ पर वर्क करके दिया है, जो कि आपका व्हाइट क्वार्ट्ज रहने वाले हैं। यहाँ पर एलईडी का आपके यहाँ पर चिमनी आपके यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। यहाँ से आपको वेंटिलेशन बना रहेगा आपके विला के अंदर, तो आपको यहाँ पर विंडो मिल जाती है। अपर कैबिनेट्स आपको यहाँ पर हाइड्रोलिक दिए गए हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। इस जगह पर आपका RO है वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाएगा। गीजर आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। साउंडलेस आपको यहाँ पर सिंक लगा के दे रहे हैं। सैनिटरी फिटिंग्स की हम बात करते हैं तो सेरा के आपके यहाँ पर सैनिटरी फिटिंग्स रहने वाली है। लोअर कैबिनेट्स की हम यहाँ पर बात करते हैं तो वो भी हमारे यहाँ पर सभी सॉफ्ट क्लोजेट के साथ में आपके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। तो हमारी जो भी यहाँ पर फिटिंग्स रहने वाली है, प्रीमियम आपके यहाँ पर फिटिंग रहने वाली है। किचन के अंदर आपको इस वाली जगह पर आपको मिल जाता है आपका फ्रिज के लिए स्पेस, तो आप यहाँ पर अपना जो फ्रिज है वो आप यहाँ पर आसानी से यहाँ पर इंस्टॉल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा फर्स्ट बेडरूम। ये रहने वाला है हमारा साउथ वेस्ट डायरेक्शन में आपके लिए बहुत ही प्यारा बेडरूम। जैसे कि आप देख सकते हैं कितना प्यारा इस वाले रूम में आपको इंटीरियर का आपको यहाँ पर काम मिल जाता है। बहुत ही अच्छा आपका सूदिंग आपके रूम रहने वाला है। बेड की हम यहाँ पर बात करते हैं तो इसकी जो हाइट दी गई है वो भी आपकी बहुत ही अच्छी हाइट दी गई है। मैट्रेस वगैरह है वो भी आपको बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आपको यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। क्विल्टिंग का वर्क देखते हैं तो वो भी आपको बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर मिल जाता है। बेड के बैक साइड में आप देख सकते हैं वुडन पैनलिंग का आपको यहाँ पर वर्क मिल जाता है। फॉल्स सीलिंग वर्क है वो भी आपका बहुत ही प्यारा है। यहाँ पर आपको लगा के दी जा रही है सोनी कंपनी की बहुत ही अच्छी LED, और LED पैनल का वर्क देखेंगे वो भी आपको बहुत ही खास रहने वाला है। देन यदि हम इस तरफ आते हैं तो ये रहेगा हमारा ड्रेसिंग एरिया, जहाँ पर आपको टॉप टू बॉटम में आपको फुल हाइट में आपको वार्डरोब मिल जाता है। ड्रेसिंग मिरर आपके यहाँ पर दिया जा रहा है, और ये रहेगा यहाँ पर आपका अटैच में वॉशरूम, जिसके अंदर वॉल माउंट WC लगा के दी जा रही है। काउंटर टॉप डिजाइनर वॉश बेसिन लगा के दिया जा रहा है, और प्रॉपर आपको शावर एरिया आपको यहाँ पर दिया गया है। इस तरफ आ जाती है हमारी बैकयार्ड,
और बैकयार्ड में आप देख सकते हैं अपनी वॉशिंग मशीन इजीली यहाँ पर इंस्टॉल आप कर सकते हैं। और ऊपर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर काफ़ी बढ़िया लोहे की जाली लगा के दी जा रही है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। बट फर्स्ट फ्लोर पर चलने से पहले ग्राउंड फ्लोर की एक चीज़ बहुत मिसिंग रह गई, वो है यहाँ का पाउडर रूम। और पाउडर रूम आपको यहाँ पर इस वाली डायरेक्शन में दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये नॉट ओनली पाउडर रूम है कि आपको यहाँ पर शार एरिया भी यहाँ पर इंस्टॉल, शार पैनल भी आपको यहाँ पर इंस्टॉल करके दे रहे हैं और इंडियन सीट आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं हमारे फर्स्ट फ्लोर पर। आइए हम फर्स्ट फ्लोर पर चलेंगे हमारे स्टेयर्स से। तो आप देखिए स्टेयर्स में आपको यहाँ पर काफ़ी अच्छा ग्रेनाइट का आपको यहाँ पर काम करके दिया जा रहा है। रेलिंग की बात करते हैं तो आपको यहाँ पर टफ एंड ग्लास वर्क मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील का वर्क आपके यहाँ पर मिल जाता है और कुछ ब्रास वर्क आपके यहाँ पर मिल जाता है। ये रहेगा हमारा लॉन्च एरिया जहाँ पर आपको टू सीटर आपको काउच लगा के दिया जा रहा है विद सेंटर टेबल। और आपको यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में पूजा के लिए आपको यहाँ पर बहुत ही अच्छा स्पेस दिया गया है दोस्तों। देन यदि हम इस तरफ आते हैं तो ये रहेगा आपका सेकेंड बेडरूम और इसकी जो साइज है वो भी आपकी बहुत ही बढ़िया इसकी साइज रहने वाली है। इस रूम में भी बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पर काम करके दिया जा रहा है, कुछ हैंगिंग लैंप्स आपको यहाँ पर लगा के दिए जा रहे हैं। वॉल बेड बैक साइड में हम बात करते हैं यहाँ पर तो कुछ वुडन वर्क मिल जाता है, वॉलपेपर का वर्क मिल जाता है और आपको यहाँ पर वॉल हैंगिंग लैंप्स आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। इस रूम में भी आपको यहाँ पर एसी लगा के दे रहे हैं, एलईडी लगा के दे रहे हैं। और यहाँ पर रहने वाला आपका अटैच में आपका वार्डरोब एरिया विथ वॉशरूम। और इस रूम की एक सबसे अच्छी बात है कि इस रूम में आपको मिल जाता है आपका फ्रंट साइड का बालकनी। तो ये आपका बालकनी से आपका पूरा बाहर का व्यू रहने वाला है, आसपास में पूरी बसावट है। तो बसावट के बीचों बीच में आज हम आपको प्रॉपर्टी का टूर करवा रहे हैं। आपको बालकनी में आने के लिए आपको एक्सेस मिल जाता है आपको यहाँ पर विंडो से, जो कि आपको यूपीवीसी विंडोज लगा के दे रहे हैं विद टफ एंड ग्लास। साथ में आपको यहाँ पर थ्री लेयर में आपको ये विंडो रहने वाला है जहाँ पर आपका मेस डोर भी आपको यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। अब आइए अब मैं आपको दिखा देता हूँ हमारा थर्ड बेडरूम। और थर्ड बेडरूम भी आपका मास्टर बेडरूम रहने वाला है। रीजन दैट कि आपका ये जो बेडरूम है वो भी आपका साउथ वेस्ट डायरेक्शन में है और साउथ वेस्ट डायरेक्शन को यूज करते हैं दोस्तों मास्टर बेडरूम के लिए। यहाँ पर भी आपको बहुत ही अच्छा बेड लगा के दिया जा रहा है। इसके भी बेड के बैक साइड में आप देखेंगे तो दोस्तों बहुत ही प्यारा आपको यहाँ पर काम करके दे रहे हैं, कुछ वुडन पैनल आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। बैक साइड में आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा वॉलपेपर लगा के दे रहे हैं और डिजाइनर लैंप्स आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। बेड के दोनों तरफ ही आपको छोटे आपको यहाँ पर रैक मिल जाते हैं जिसमें अपना कुछ भी सामान वगैरह रखना चाहते हो आप रख सकते हैं। यहाँ पर भी आपको मिल जाता है आपका एलईडी पैनल, एलईडी भी आपको यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। और आपको इस वाले रूम में भी आपको एसी इंस्टॉल करके दे रहे हैं। देन यदि हम इस तरफ आते हैं तो इस तरफ आपको मिल जाता है आपका ड्रेसिंग एरिया, साथ में आपको अटैच में आपको यहाँ पर वॉशरूम मिल जाता है। आइए अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे सेकेंड फ्लोर पर। और एक बार सेकेंड फ्लोर पर चलने से पहले एक बार मैं आपको यहाँ पर जो डबल हाइट कटआउट है तो वहाँ से आपको जब यहाँ पर आप रहेंगे फर्स्ट फ्लोर पर तो आपको नीचे से देखेंगे तो क्या फील रहेगा और ऊपर देखेंगे तो आपको क्या फील रहेगा, तो एक बार आप यहाँ से आइडिया लीजिए दोस्तों कि कितना प्यारा आपको यहाँ पर शिंडलियर आपको यहाँ पर लगा के दिया जा रहा है। अभी हम आ गए हैं हमारे सेकेंड फ्लोर पर। और सेकेंड फ्लोर पर ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको यहाँ पर छत ही मिल जाती है, आपको यहाँ पर एक वॉशरूम भी दिया जा रहा है तो देख सकते हैं आप। तो दोस्तों आपका जो 3 BHK हाउस है, 3 BHK के हाउस में आपको नंबर ऑफ वॉशरूम की बात करते हैं तो 5 वॉशरूम आपके यहाँ पर दिए जा रहे हैं। और इस वाले जगह को आप अपना एज ए स्टोर रूम प्लान करना चाहे वो आप कर सकते हैं, अपना यहाँ पर सर्वेंट रूम इसको देना चाहते हैं वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। ये रहने वाली है हमारी फ्रंट साइड रूफ जहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर सिटिंग अरेंजमेंट्स आपके यहाँ पर करके दिए, 4 सीटर आपको यहाँ पर लगा के दे रहे, चेयर्स विथ सेंटर टेबल। तो यहाँ पर बैठकर आप मॉर्निंग की इवनिंग की चाय इन्जॉय कर सकते हैं। वैसे भी अब सर्दियाँ तो स्टार्ट हो ही गई है तो गर्मियों में तो छत पे कौन आता है, वो तो कपड़े सुखाने आते हैं या फिर ऐसे ही आते हैं। बट सर्दियों में तो दोस्तों बालकनी में बहुत लोग जाते हैं और छत पर भी बिल्कुल बिल्कुल जाते हैं। तो आपके लिए बहुत ही प्यारा सा ये हमारा घर है। यहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे प्लांट्स आपके यहाँ पर लगा के दे रहे हैं। आपको ग्रीनरी पसंद है तो आप अपने यहाँ पर और भी हरे भरे यहाँ पर प्लांट्स वगैरह लगा सकते हैं। 111 गज का हमने आपको घर का टूर करवाया, JD अप्रूव्ड हमारा हाउस है। लोकेशन बहुत ही अच्छी रहने वाली है आपका वैशाली नगर वेस्ट भूरा पटेल मार्ग पर हमारा ये प्रोजेक्ट।
लोकेटेड है। प्राइस की हम बात करते हैं तो 1,25,00,000 में, मात्र 1,25,00,000 में आपको 111 गज का हम आपको प्रोवाइड करवा रहे हैं हाउस एज इट इज, जिसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस भी इंक्लूड है। अगर आपको इसको विजिट करना चाहते हैं आज ही हमारे नंबरों पे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारे नंबर है 7878918166। अंत तक आप लोग देखो, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू सो मच इंटर फैमिली, थैंक यू सो मच।